नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 प्रथम प्रवेश काउंसलिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत बीएड 2021 प्रथम काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम, काउंसलिंग तिथि एवं विस्तृत निर्देश दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। बीएड 2021 प्रथम काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम, काउंसलिंग तिथि एवं विस्तृत निर्देश। पीएनबी बैंक चालान पीडीएफ, बीएड 2021 से 2023 एडमिशन फॉर्म पीडीएफ, बीएड 2021 से 2023 प्रोस्पेक्ट सेक्शन बी पीडीएफ, फर्स्ट काउंसलिंग नोटिस बीएड 2021 से 2023 पीडीएफ, बीएड 2021 से 2023 काउंसलिंग एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ, बीएड 2021 से 2021 पीडीएफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चालान के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडी फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडी फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। जो भी फीस होगी उसे हमें इस चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के पश्चात जो भी आवश्यक सूचनाएं इसमें मांगी गई हैं, जिसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स हैं, कैटेगरी क्लेम्ड हैं, कैटेगरी इन विच क्वालिफाइड हैं आदि के संदर्भ में हमें जानकारी यहां देनी होगी। सेक्शन ऑप्शन, इसका उपयोग आप गाइडलाइन के संदर्भ में कर सकते हैं। इसे हमें पूरी तरह से फुलफिल करना है और इसके पश्चात काउंसलिंग में भाग लेना होगा। रीजनल सेंटर के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। चेकलिस्ट के संदर्भ में भी यहाँ जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। प्लीज टिक इन रिलेवेंट बॉक्स एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ एंड सेल्फ सिग्नेचर इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, बैंक चालान फॉर प्रोग्राम फी विथ नेम एंड फॉर्म नंबर, घोषणा पत्र, बीएड एंट्रेंस टेस्ट परमिशन लेटर, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस, एज सर्टिफिकेट, टेंथ मार्कशीट या सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक विथ साइंस एंड मैथ ऑल थ्री ईयर, एमए एमएससी एमकॉम ऑल टू ईयर्स, एनसीटी रिकॉग्नाइज रेगुलर बीएसटीसी या डीएलएड और इक्विवेलेंट प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा टू ईयर्स, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी अनुसूचित क्षेत्र, फिजिकल हैंडीकैप्ड होने की स्थिति में सर्टिफिकेट, विडो या डाइवोर्सी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन कश्मीरी माइग्रेंट वार्ड विडो सर्टिफिकेट या आर्मी इफ एप्लीकेबल आदि के संदर्भ में हमें यहाँ जो चेकलिस्ट दी गई है इसको ध्यान में रखते हुए हमें एप्लीकेशन फॉर्म को साथ लेकर जाना होगा। गाइडलाइन के संदर्भ में हम यहां आसानी से जानकारी ले सकते हैं। इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व में विस्तार पूर्वक वीडियोस बनाए हैं जिनका आप अवलोकन अवश्य करें। इस पीडी फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको इसकी आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे फर्स्ट काउंसलिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके संदर्भ में। काउंसलिंग दिनांक 15/11/2021 सोमवार प्रातः 10 बजे से सामान्य वर्ग। काउंसलिंग दिनांक 16/11/2021 मंगलवार प्रातः 10 बजे से आरक्षित वर्ग एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस पीएच विडो डिवोर्सी एंड आर्मी। स्थान दिया गया है शिक्षा विद्यापीठ भवन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक।
दिनांक 19/9/2021 को आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणामों के अनुरूप प्रथम वरीयता सूची के अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग हेतु निम्नांकित प्रवेश योग्यता के मूल दस्तावेजों एवं इसकी एक स्व प्रमाणित प्रति के साथ COVID-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए उपस्थित होना है। उक्त तिथियों पर किसी भी कारण से अनुपस्थिति के अभाव में विद्यार्थी की दावेदारी समाप्त हो जाएगी। वहीं विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए पात्र माने जाएंगे जो प्रवेश फॉर्म भरते समय विज्ञापन में दी गई निम्नलिखित तीनों योग्यताओं को एक साथ पूरी करते हों। वर्तमान में किसी राज्य की या गैर राज्य की मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्राइमरी कक्षाओं कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले अध्यापक हो, नियमित रीति से BSTC, DLED या समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो NCT से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हो, स्नातक या स्नातकोत्तर कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50%, BTEC स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण हो, राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दिव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5% की जो छूट है दे होगी। आवश्यक दस्तावेजों के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। मूल प्रत्येक मूल प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित निम्नलिखित क्रम में लगाएं। 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका या प्रमाण पत्र या उसकी छाया प्रति जन्मतिथि के सत्यापन हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर की अंकतालिका एवं डिग्री। यहाँ पर भी हमें जो छाया प्रतियाँ हैं इसमें पूर्वार्ध है उत्तरार्ध है अंकतालिकाएँ सहित स्नातक की तीनों वर्ष की जो अंकतालिकाएँ हैं वो हमें लगानी होगी। BSTC DLED द्विवर्ष या समकक्ष दोनों वर्ष की अंकतालिका जो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित रीति से रेगुलर से अध्ययन कर अर्जित की हो तथा जिन अभ्यर्थियों की यह डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य अथवा जम्मू एवं कश्मीर से तथा सेना के अभ्यर्थी विस्तृत निर्देश विवरणिका के पृष्ठ संख्या 5 से 8 पर देखें, नियमित रीति से स्पष्ट करते विस्तृत निर्देश विवरणिका के पृष्ठ संख्या 5 से 8 पर देखें। जाति प्रमाण पत्र है यह हमें लगाना होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है EWS के जो अभ्यर्थी हैं 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2021 के मध्य का अथवा वर्तमान काउंसलिंग तिथि तक होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है घोषणा पत्र है मूल नवीनतम शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड बीएड प्रथम वर्ष कार्यक्रम शुल्क ₹26,880 प्रवेश निश्चित होने पर उसी दिन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चालान से जमा कराएं। सेना में कार्यरत या सेवानिवृत्त वे कर्मी जो उपरोक्त योग्यता रखते हों विवरणिका में उल्लिखित निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 7 के अनुरूप सूची के अंत में संलग्न प्रारूप में ही प्रमाण पत्र बनाकर लावे। तो यहाँ 11 पॉइंट जो दिए गए हैं इनकी पालना हमें करनी होगी। अब बात करेंगे हम बीएड दुरस्थ शिक्षा प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग सूचना। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। सामान्य वर्ग में चयनित अभ्यर्थी 15/11/2021 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक करा सकते हैं। चयनित आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 16/11/2021 प्रातः 10 से 5 बजे तक का समय जो है निर्धारित किया गया है। द्वितीय जो काउंसलिंग होगी 22/23/2021 को की जाएगी। रिक्त जो सीटें हैं अगर रिक्त रहती है तो ऐसी स्थिति में की जाएगी। अब बात करेंगे परिणाम के संदर्भ में। तो यहाँ परिणाम दिया गया है कैटेगरी वाइज जिसमें मेल और फीमेल हैं। कट ऑफ पॉइंट भी दिए गए हैं। कट ऑफ पॉइंट के संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं जैसे यहाँ पर जनरल मेल की जो कट ऑफ गई है 261 गई है और यहाँ रोल नंबर दिए गए हैं। इसी तरह से कैटेगरी जनरल फीमेल की 261 है। कैटेगरी EWS मेल की कट ऑफ 235 है। कैटेगरी EWS फीमेल की 235। कैटेगरी OBC मेल की 251 है। कैटेगरी OBC फीमेल की 251। कैटेगरी SC मेल की 232। कैटेगरी SC फीमेल कट ऑफ पॉइंट 232 है। कैटेगरी ST मेल की कट ऑफ पॉइंट 223 है। कैटेगरी ST फीमेल 223 है। कैटेगरी ST SC मेल कट ऑफ 179 है।
कैटेगरी STSA फीमेल की 169, कैटेगरी MBCM की मेल की कट ऑफ पॉइंट 234 है, कैटेगरी MBC फीमेल कट ऑफ पॉइंट 221 है। इसी तरह से यहाँ पर कैटेगरी DOC की कट ऑफ 255, कैटेगरी PH मेल की कट ऑफ 210, कैटेगरी PH फीमेल की कट ऑफ 188 है। तो यहाँ जो कट ऑफ्स और रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु जो प्रथम काउंसलिंग है उसमें उपस्थित होना होगा। इन सभी PDF फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुँच कर भी इन PDF फाइलों को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBS के साथ। जय हिंद, जय भारत।